हेलो फ्रेंड्स, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या क्रिकेट अभी भी जेंटलमैन का गेम रहा है या ये सारी बस किताबी चीजें रह गई हैं? दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या क्रिकेट मैदान पर सिर्फ बैट और बॉल के बीच में ही लड़ाई चलती है, क्या सिर्फ दो कप्तानों के बीच अपनी अपनी रणनीति को सही साबित करने की फाइट होती है? अगर आपका आंसर हाँ है तो आप बिल्कुल गलत हैं। दोस्तों, आज के एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कभी जेंटलमैन का गेम कहे जाने वाला क्रिकेट अब फाइटर मैन का गेम बनता जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो और आपको दिखाते हैं क्रिकेट के मैदान की कुछ खतरनाक लड़ाइयां। नंबर वन, आमिर सोहेल बनाम वेंकटेश प्रसाद। दोस्तों, 1996 के वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान और भारत की टीमें आमने सामने आई तो एक बार फिर से खिलाड़ियों का जोश भाई देखने लायक था। भारत की तरफ से मैच का 15वां ओवर वेंकटेश प्रसाद कर रहे थे और सामने थे पाकिस्तान के आमिर सोहेल। ओवर की 5वीं गेंद पर आमिर सोहेल ने वेंकटेश प्रसाद को चौका जड़ दिया और उसके बाद अपना बल्ला दिखाकर भाई उनको चिढ़ाने लगे। देखिए जरा किस तरह से आमिर सोहेल बल्ला दिखा रहे हैं। अब जरा ये भी देख लीजिए भाई, प्रसाद ने कैसे अगली ही गेंद पर आमिर सोहेल को मुंह तोड़ जवाब दिया और उनका बोल्ड कर दिया। और देखिए, मजे की बात तो भाई ये थी कि उसके बाद वेंकटेश प्रसाद ने आमिर सोहेल को पवेलियन जाने का इशारा किया कि बेटा निकल लो आप। नंबर टू, गौतम गंभीर बनाम शाहिद अफरीदी। फ्रेंड्स, क्रिकेट के मैदान पर भारत और पाकिस्तान की झड़पों के इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई इस लड़ाई को कही जा सकती है। साल 2007 में हुए एक मैच के दौरान युवराज सिंह और गौतम गंभीर क्रीज पर थे। गंभीर ने शाहिद की गेंद पर चौका लगा दिया जिससे नाराज शाहिद ने गंभीर को कुछ कह दिया। अगली गेंद पर जब गंभीर सिंगल ले रहे थे तो शाहिद ने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन गंभीर भाई कहां रुकने वालों में से थे। उन्होंने अफरीदी को धक्का देते हुए अपना रन पूरा किया और फिर शुरू हो गई दोनों के बीच में बहस। दोनों के बीच माहौल इतना ज्यादा गर्म हो गया कि अंपायर्स द्वारा दोनों खिलाड़ियों को अलग अलग करना पड़ा, लेकिन जब तक अंपायर आते दोनों खिलाड़ियों ने एक दूसरे के परिवार को खूब याद किया। हाँ हाँ, जो मैं कह रहा हूँ आप अच्छे से समझ रहे हैं, मुझे पता है। अच्छा ये बताइए ना, आप किस शहर से हमारी वीडियो देख रहे हैं? हाँ हाँ बताइए, और संग में हमें ये बताइए कि आपके शहर में सबसे ज्यादा पॉपुलर क्या है। मैं आपको बताता हूँ अगली पॉपुलर लड़ाई के बारे में। नंबर थ्री, ग्लेन मैकग्रा बनाम राम नरेश सरवन। दोस्तों, क्रिकेट इतिहास में स्लेजिंग के सबसे बुरे मामलों में से ये एक है। इस घटना में ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज ग्लेन मैकग्रा और वेस्ट इंडीज के स्टार बैट्समैन राम नरेश सरवन शामिल थे। ये सब तब शुरू हुआ जब मैकग्रा ने सरवन के बारे में कुछ कहा, जिसके बाद कथित रूप से मैकग्रा की पत्नी के बारे में टिप्पणी की थी राम नरेश सरवन ने। यह वाकई बहुत गंदी लड़ाई थी। नंबर फोर, इंजमाम उल हक बनाम कनाडा का एक दर्शक। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज इंजमाम उल हक को पूरी दुनिया आलू कहकर चढ़ाती थी। एक्चुअली उनका वजन उस टाइम भी बहुत ज्यादा था। हुआ ये कि भाई भारत और पाकिस्तान के बीच 1997 में कनाडा के टोरंटो में मैच चल रहा था। इंजमाम उल हक बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे और उसी समय किसी दर्शक ने इंजमाम उल हक को आलू कहना शुरू कर दिया। इंजमाम उल हक इतने ज्यादा गुस्से में आ गए कि वो बल्ला लेकर भैया उस दर्शक के पीछे भागे उसको पीटने। जी हाँ, ऐसा भी हुआ है। नंबर फाइव, गौतम गंभीर बनाम विराट कोहली, आईपीएल 2015। दोस्तों, आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेल रहे थे गौतम गंभीर और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की तरफ से विराट कोहली, और भाई मैच चल रहा था तो एक सिचुएशन ऐसी आई जब ये दोनों स्टार बल्लेबाज आपस में भिड़ गए। हुआ ये कि मुकाबले के 10वें ओवर की पहली गेंद पर कोहली अपने खराब शॉट सिलेक्शन की वजह से बाहर निकल गए और गंभीर ने कुछ ऐसा कहा जिससे बात यार बिगड़ गई। इसके बाद खिलाड़ियों ने एक दूसरे की ओर चलना शुरू कर दिया, लेकिन केकेआर के खिलाड़ी रजत भाटिया ने दोनों खिलाड़ियों को अलग अलग करके शांत किया। नंबर सिक्स, हरभजन सिंह बनाम शोएब अख्तर। दोस्तों, हरभजन सिंह और शोएब अख्तर को दोस्त माना जाता है। कई बार इन्हें टीवी में इंटरव्यू में साथ देखा जा चुका है, लेकिन क्रिकेट के मैदान पर एक मौका ऐसा भी आया जब ये दोनों खिलाड़ी दोस्त कम दुश्मन ज्यादा लग रहे थे। वही पाकिस्तान और इंडिया का मैच चल रहा था, मैच आखिरी दौर में था। जीत के लिए टीम इंडिया को 7 गेंदों पर 7 रन चाहिए थे। शोएब अख्तर ने अपने ओवर की आखिरी गेंद डॉट फेंकी और भज्जी से कुछ कह के चले गए, जिसके बाद भाई हरभजन को गुस्सा आ गया। गुस्सा तो आता ही इनको, श्रीसंत को भी थप्पड़ मार चुके एक बार गुस्से में ये मैदान में। वेल, जब गुस्सा आया हरभजन को तब मैच यार आखिरी ओवर में था और जीत के लिए टीम इंडिया को 6 गेंदों में 7 रन चाहिए थे और गेंद थी मोहम्मद आमिर के पास। उन्होंने अपने सीनियर के नक्शे कदम पर चलने का फैसला किया और उन्होंने भी हरभजन सिंह को स्लेज करने की कोशिश की, लेकिन भज्जी ने भाई शानदार छक्का मारकर भारतीय टीम को मैच जिता दिया, जिसके बाद हरभजन सिंह का सेलिब्रेशन और शोएब अख्तर का रिएक्शन देखने लायक था। तो फ्रेंड्स, आपने देखा जेंटलमैन का गेम कहे जाने वाले इस खेल में कुछ ऐसी भी सिचुएशंस आई, कुछ ऐसे पल आए जब खिलाड़ियों ने अपना आपा खो दिया जिससे मैदान में हो गया झगड़ा। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा खतरनाक लड़ाई आपको कौन सी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। संग में वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगी घंटी को दबा दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।